मेरा नाम है इंदु और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लासेस बालाजी क्लासेस पे। आज का टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो जनरली क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं वो बनते हैं कन्वर्जन से रिलेटेड। तो कन्वर्जन में पढ़ने वाले हैं पहला कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल। तो चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अगर एक बाइनरी नंबर है हमारे पास और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो कैसे करेंगे? राइट मोस्ट बिट से हमने स्टार्ट करना है। राइट मोस्ट बिट से 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में सेम डिजिट 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में सेम डिजिट 1, 2 की पावर 2 पावर हमें एक एक ऐड कर रहे हैं ध्यान में रखना है, मल्टीप्लाई में 0, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1, सबको ऐड करना है। अगर आप नए हो तो ये तरीका अपनाना, अगर आप पुराने बच्चे हो जिनको पहले से आता है तो आप क्या करोगे, 0 वाले को वैसे ही स्किप कर देंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3 ऐसे ऐड करना है। 2 की पावर 3 इज 8, ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस में किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 रहता है, तो ये हमारा आंसर आ गया 11 बेस 10। ये हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये तो हमारा एग्जाम्पल था सिंपल का। अगर इसी बाइनरी नंबर को हमें दिया हो पॉइंट में, जैसे यही नंबर है बाद में पॉइंट लगा के और बाइनरी डिजिट्स हैं हमारे पास और इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में तो कैसे करेंगे? यहां पे हमने क्या किया था, ये वाली जो पार्ट था इसमें हमने 2 की पावर 0 तक ले लिया था। अब पॉइंट के जब बाद में जाएंगे तो 2 की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई वैसे ही 1 वाले को 1 से करेंगे, 0 वाले को 0, तो 0 वाले को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, तो ये रहेगा 2 की पावर -1 इंटू 1। ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 से मल्टीप्लाई, 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा हमारा 1/2 है ना, 1/2 को हम बोलते हैं 0.5। तो ये आंसर एज इट इज ये है जो अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, और इसके साथ बाद में हम क्या ऐड कर देंगे 0.5, तो ये हमारा हो गया 11.5। हमारा आंसर क्या हो गया इसका डेसिमल में 11.5। ये कन्वर्जन था हमारा बाइनरी टू डेसिमल। अब हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। देखो डेसिमल टू बाइनरी में सेम अगर एग्जांपल लें जो अभी 11 आया था, पहले बिना पॉइंट के बता रही हूं कैसे करेंगे, अगर इसका बाइनरी निकालना है तो उस केस में क्या करेंगे, सिंपली हमने डिवाइड करना होता है 2 से, सिंपली हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे 5 पे जाएगा, रिमाइंडर यहीं पे साथ में लिखना है, 1 रिमाइंडर रहेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा, 2 2 4 2 पे जाएगा, 1 रिमाइंडर रहेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, रिमाइंडर 0 रहेगा। आपको ये डिजिट इस तरीके से लिखनी है, यहां से स्टार्ट करनी है और ऐसे लिखते जाना, तो ये हमारा क्या बना 1011। ये हमारा 11 का डेसिमल चेंज करके हमने लिख दिया बाइनरी में, ठीक है। यहाँ पे आप टेबल से भी देख सकते हो अगर आपको मैच करना है तो 11 के कोरस्पोंडिंग हमारी क्या बिट रहेगी बाइनरी में 1011 बिट रहेगी, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट में, अगर इसके बाद पॉइंट होता तो हम कैसे सोल्व करते। 11 के बाद अगर अभी देखा था 5 हमारा आ रहा था, 11.5 आ रहा था आंसर, तो उसी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सपोज इसको अगर हमने चेंज करना है, इसके लिए तो सिमिलर यही रहेगा, पॉइंट से पहले हम बाइनरी में जब लिखेंगे तो यही सेम लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद वाले का मेथड क्या रहता है, पॉइंट के बाद वाले का क्या रहेगा, आपको 0.5 यहाँ पे लिखना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, मतलब 1.0 आएगा, ठीक है। ये 1 को प्रिजर्व करके रख लेंगे, 1.0 है, 1 को प्रिजर्व करके रख लो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1, ठीक है। उसके बाद 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना है आपने, क्या आएगा इस वाले पार्ट को करना है, सिर्फ इस वाले पार्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है पॉइंट के इधर वाले पार्ट को, 0 ही आएगा, कितनी बार मर्जी करो 0 ही आएगा। यहाँ पे ये 1 आपका चला गया, आपने प्रिजर्व कर दिया, ये यहाँ पे अभी 0 है, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ पे कुछ नहीं है 0 ही रहेगा, फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको कितनी मर्जी बार भी करोगे ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है, ये लिख सकते हो आप।
10 इसका कन्वर्जन, 0.5 का कन्वर्जन। तो आपका जब ओवरऑल अब आएगा 11.5 का बाइनरी कन्वर्जन जो आएगा, इस डेसिमल टू बाइनरी जो कन्वर्जन आएगा वो क्या आएगा, 1011, ये तो 11 का है, और 0.5 का क्या आया है, 10, ये 0.5 का है। तो ये हो गया। अगर आपके पास यहाँ पे 0.5 ना हो के अगर और कुछ होता तो कैसे कन्वर्ट करते, और कुछ जैसे सपोज 0.32 आ गया, 0.32 है आपके पास, तो उसको कन्वर्ट करना है, तब कैसे कन्वर्ट करोगे। पॉइंट 32 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, वही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 0 है सपोज, तो ये क्या हो गया हमारा 64 हो गया, 0 तो 0 ही रही है ना, आगे तो गई नहीं कैरी बनके, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिजर्व कर लेते हैं, इसको हमने रख लिया। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, सिर्फ इस पार्ट को, किया क्या आया 128, तो 1 क्या गई, कैरी चली गई, यहाँ पे 28 लिखेंगे, 128 आंसर आया, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे आ गया, और इस 1 को फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रख लेंगे। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको करेंगे, सिर्फ इस पार्ट को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया हमारा 56, एज इट इज रहेगा, कुछ आगे नहीं गया पॉइंट से पहले, 0 एज इट इज रही, तो इसको प्रिजर्व करके रख लेंगे, इसके बाद 0 आ गया, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस तरीके से हमने क्या है मल्टीप्लाई करते जाना है 2-3 डिजिट तक। तो अब क्या आएगा हमारे पास, जो कन्वर्जन आएगा 11 का क्या था हमारे पास, 1011 था पॉइंट के बाद, अब हमारा 32 का क्या आया है, 010, ये हमारा आ जाएगा बाइनरी में। तो ये ऐसे कन्वर्ट करते हैं हम पॉइंट वाले को, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम ऑक्टल के लिए। आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया है, सपोज ये बाइनरी नंबर है हमारे पास, इसको ऑक्टल में हमने निकालना है, ऑक्टल में क्या आएगा, तो देखो ध्यान में रखना है, एक ही चीज ध्यान में रखनी है, इसकी हम 3-3 डिजिट की पेयर बनाएंगे, 3 डिजिट की पेयर बनाएंगे, कहां से, यहीं से राइट मोस्ट बिट से 3 की पेयर। अब ये 2 रह गए, 0 लगा सकते हो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे, तो ये पेयर हो गया 3 का, और एक ये पेयर हो गया 3 का, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करके, जिसको नहीं आता हो, 101 क्या होता है, 5 होता है, आप यहां से देख लेना, 101 5 होता है, 10 क्या होता है, 2, 10 क्या होता है, 2, ये सिंपल हमारा कन्वर्जन हो गया इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी की, रिवर्स में ऑक्टल टू बाइनरी हमने करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखो अगर सपोज हमारे पास ये है, इसके कोरिस्पोंडिंग बाइनरी नंबर निकालना है, बाइनरी क्या होगा, तो देखो जब पहले हमने जब निकाला था, जब हम कन्वर्जन डेसिमल और बाइनरी में कर रहे थे, तब हमने 2 लिया था, 2 की पावर की थी, यहाँ पे हम करेंगे 8 की पावर, ये होगा हमारा 10 के लिए, देखो 10 0 8 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0 के साथ, इसको 1 के साथ, फिर दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा 8 प्लस 0 है ना, ये तो 0 ही रहेगा, ये जो आया है ये डेसिमल आया है, ये देखो बाइनरी नहीं आया है, अभी क्या आएगा डेसिमल आएगा, डेसिमल को फर्दर आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, जो अभी इससे पहले बताया था वैसे ही हम कन्वर्जन करेंगे। 8 का कन्वर्जन जब करेंगे बाइनरी में, 4 पे गया 0 रिमाइंडर, 2 पे गया 0 रिमाइंडर, 1 पे गया 0 रिमाइंडर, क्या आया 1000, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1000, ये आ गया हमारा बाइनरी, किसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबको समझ आ रहा होगा कन्वर्जन का कंसेप्ट। अब देखेंगे हमारा कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा। बाइनरी टू हेक्सा देखने से पहले मैं आपको टेबल के थ्रू बताती हूँ कैसे होती है हेक्सा की टेबल। ये मैंने डेसिमल लिखे हुए हैं 0 to 15, 16 है ये डेसिमल की डिजिट्स, ये है बाइनरी की 0 to 15, पहली 16 बाइनरी बिट्स,
आपकी ये है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल 0 टू 15 ही है ये, लेकिन हम 9 तक तो सेम डेसिमल वाला ही लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 10 को लिखते हैं ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को हम एफ लिखते हैं। तो हमें अब कन्वर्ट करनी है कोई भी अगर बाइनरी डिजिट, सपोज ये हमारी एक बाइनरी डिजिट है, इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो हम क्या करेंगे, राइट मोस्ट बिट से चार बिट लेंगे, चार चार की पेयरिंग करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही चार चार की पेयरिंग करेंगे, तो देखेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल कौन सा होता है। अगर आपको नहीं आता है डायरेक्ट कन्वर्ट करना तो आप अभी टेबल से देख लो, बाद में लर्न कर लेना। बी होता है, बी होता है हमारा 1011, ये बी। 10 हमारा देखो 2 होता है, 10 हमारा 2 होता है, ये सेम है, तो 2B इसका आ गया हमारा हेक्साडेसिमल, 2B इसका क्या आ गया हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अगर आपको बोलते हैं आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी अगर आपको बोलते हैं तो कैसे करोगे, इसी को अगर कन्वर्ट करने की बात करें 2B को, 2 और B, ये तो आपका हेक्साडेसिमल है, इसको बोलते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, पहले आपका डेसिमल में जैसे ऑक्टल में किया था वैसे ही डेसिमल में आएगा, डेसिमल से फिर आपको क्या करना पड़ेगा बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ये बी है, बी की वैल्यू क्या बताई थी 11, 9 के बाद 10 से ए, 11 आपका बी होता है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 11 लिखोगे इनटू में, यहाँ पे क्या रहेगी वैल्यू 16 की पावर रहेगी, जैसे आपने बाइनरी में देखा था 2 की पावर, ऑक्टल में देखा 8 की पावर, यहाँ पे हेक्साडेसिमल के केस में क्या है 16 की पावर रहेगी, 0 प्लस में 2 इनटू 16 की पावर 1, 16 की पावर यहाँ पे 1, तो ये क्या आ गया 16 2 32, और ये किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो प्लस में 11, ये हमारा आ गया 3 4 43, ये 43 हमारा जो आया है डेसिमल में, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो आया है अभी हमारा डेसिमल में आया है। अब इस डेसिमल को क्या करेंगे, हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका यही है, 43 आप यहाँ पे ले लो 2 की टेबल में, 43 कब जाएगा 21 पे, बच गया 1, ये कब जाएगा 10 पे, बच गया 1, 5 पे 0, 2 पे 1 और ये 2, 1 पे 0, तो क्या आ गया हमारे यहां से 1 0 1 0 1 1, ये आ गया हमारा, क्या आ गया 1 0 1 0 1 1, ये कन्वर्ट होके आया है हमारा डेसिमल टू बाइनरी, तो ये इसका आंसर हुआ, ये सेम देख रहे हो आप, सिमिलर आ गया है ना, तो ऐसे हम कर सकते हैं सारे के सारे कन्वर्जन्स। तो इसके बाद आगे वाली क्लासेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी पे ध्यान रखिए, तैयारी मन लगा के कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।